हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप रियलमी के रियलमी C11, C12 एंड C15 के यूज़र हैं ना, तो रियलमी ने आपके लिए जून के महीने में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर दिया है। हालांकि दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट है बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, लेकिन आप लोगों का दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है कि इस पर रेगुलर वीडियो बनाते रहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी साइज है, क्या इसका वर्जन है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है। और ये भी बात करेंगे दोस्तों कि ये जो अपडेट है फिलहाल किन के लिए पुश किया गया है, किन के लिए पुश नहीं किया गया है। तो दोस्तों वीडियो के इन तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो यार लाइक करना, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं रियलमी के इन तीनों फ़ोनों में क्या नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रियलमी C12 के बहुत सारे यूजर्स हैं जो ऑलरेडी रियलमी वाई 2.0 के बीटा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको रियलमी वाई 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो मिल चुका है। सेम कंडीशन रियलमी C15 के यूजर्स के भी साथ है, वो भी बहुत सारे यूजर्स हैं जो रियलमी वाई 2.0 के बीटा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो ये अपडेट जारी किया गया है ना, उनके लिए नहीं जारी किया गया है जिनका फ़ोन रियलमी वाई 2.0 के बीटा या स्टेबल पे रन कर रहा है। ये जो अपडेट जारी किया गया है वो रियलमी वाई 1.0 के यूजर्स हैं, यानी एंड्रॉयड 10 पे जो रन कर रहा है उनका फ़ोन, उनके लिए जारी किया गया है। तो दोस्तों मैं बता दूं, पता नहीं क्या करता है रियलमी अपने फ़ोनों में दो सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करता है। खैर, हम आज बात करेंगे जो रियलमी वाई 1 पे रन कर रहा है फ़ोन, उनके जो अपडेट। तो दोस्तों, अगर आप रियलमी के C11, C12 एंड C15 के यूज़र हैं, अगर आपका फ़ोन रियलमी वाई 1 पे रन कर रहा है, तो आपको भी पता होगा कि आपके फ़ोन का जो प्रीवियस वर्जन था ना, वो था 8.93। और दोस्तों, जो आज के डेट में अपडेट जारी किया गया, यानी 25 जून को जारी किया गया ये अपडेट, तो उसके वर्जन की बात करें तो वो है 8.95। और मैं बता दोस्तों, इसका साइज़ मुझे नहीं पता है। अगर ये अपडेट आपको मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसकी साइज़ क्या है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है। तो सबसे पहले अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है जो कि जून 2021 का है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपके फ़ोन में रेगुलर सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिल रहा है। और सिस्टम की बात करें तो आप देख सकते हैं फिक्स सम नोन इशू एंड ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी। तो बहुत बड़ा कुछ अपडेट नहीं है, थोड़ा बहुत आपके फ़ोन में जो भी बग्स है उसको फिक्स करने की बात की गई है इस अपडेट में। तो मैं कहूंगा दोस्तों कि बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर आप रियलमी C12 या C15 के यूज़र हैं ना, तो इसी अपडेट के ऊपर यानी 8.95 के ऊपर आपको रियलमी वाई 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो देखने को मिल सकता है। और बात करें दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि रियलमी C11 का क्या हाल है, तो मैं बता दूं दोस्तों, रियलमी के किसी भी ऑफिशियल साइट पर रियलमी C11 के बारे में रियलमी वाई 2.0 का जो अपडेट है उसकी न्यूज़ नहीं आती है। हम कमेंट करके पूछते भी हैं तो वो घुमा घुमा के बातें करते हैं, पता नहीं क्यों रियलमी C11 के साथ ऐसा बोल रहे हैं। उसमें किसी तरह का कोई अपडेट ही नहीं दे रहे हैं रियलमी वाई 2.0 को लेके। जब भी हमें रियलमी वाई 2.0 को लेके रियलमी C11 के लिए अपडेट आएगा तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।